लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट कौन बताएगा? यहीं पे छोड़ा था हमने वेंसडे को. हु विल टेल मी द स्टेटमेंट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन क्या है? हु विल टेल? यस गुरजोत बताओ. स्टैंड अप. जपन जोत मास्क. आप बताओ. हरनूर सिंह मास्क कहाँ है? चलिए बोलिए. हरी अप स्टैंड अप. क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर मोमेंटम टू बी कंजर्व? हाँ क्या याद नहीं? आप बताओ. हर्ष ने हरनूर हरनूर कौर नहीं आता. वीडियो तो देखी होगी. वीडियो भी नहीं देखी फिर हम क्यों डालते हैं वीडियो? एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम शुड बी जीरो. सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड. ओनली देन द मोमेंटम विल बी कंजर्व. Sir, what is the direct consequence of a law of conservation of momentum? That we did that moment of inertia and angular speed are inversely proportional to each other. So, iske basis pe humne conceptual questions kiye the. What is the formula of moment of inertia? What is the formula of moment of inertia? Mr square. So, ye distance from the axis of rotation pe depend karta hai. तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा. राइट. तो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था अ डाइवर परफॉर्म्स समरसॉल्ट्स इन एयर बिफोर लैंडिंग इनटू वाटर. तो व्हाई डज अ डाइवर परफॉर्म समरसॉल्ट्स इन द एयर बिफोर एंटरिंग द वाटर? तो इसका रीजन यही था बाय कर्लिंग हिज बॉडी व्हाइल मेकिंग समरसॉल्ट्स. He is curling his body. Moment of inertia कम हो रहा है because distance is decreasing from the axis of rotation. तो क्योंकि moment of inertia कम हो रहा है angular speed of rotation increase हो रही है. So he is increasing angular speed by doing this. So that will help in covering a long distance inside water. तो उसकी वजह से वो काफी long distance cover कर जाएगा water के अंदर because of large angular speed gain. Angular momentum conserved, I remember that, right? Second example is, what happens to duration of the day? What happens to duration of the day when ice on polar caps melts? Poles के ऊपर जो ice deposited है, अगर वो melt हो जाए, अर्थ के पोलर कैप्स पे जो आइस है इफ इट मेल्ट्स व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ड्यूरेशन ऑफ द डे? लेट अस सी दैट. तो अब ये अर्थ ही यहाँ पे आइस डिपॉजिटेड है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तो अगर आइस मेल्ट हो जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से. डिस्टेंस विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज. डिस्टेंस के इंक्रीज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया एंड एंगुलर स्पीड डिक्रीज हो गई. हाउ इज एंगुलर स्पीड रिलेटेड टू टाइम पीरियड? ओमेगा इज 2π/T. तो अगर एंगुलर स्पीड कम हो रही है टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, ड्यूरेशन ऑफ द डे विल बी मोर.
So this will be the effect on duration of the day, that time period will increase. Duration of the day will be more than before. एंगुलर मोमेंटम नहीं गेन कर रहा, एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, उसी के तो हम एग्जांपल कर रहे हैं। एंगुलर स्पीड गेन कर रहा है ना वो, हाँ तो टाइम का क्या करना है उसमें, तो अपनी बॉडी का कर्ल करके उसने एंगुलर स्पीड गेन कर ली, वो उसको वाटर में हेल्प करे, बस ये चीज। तो ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीजेस व्हेन आइस ऑन द पोलर कैप्स ऑफ अर्थ मेल्ट्स somehow. तो अगर melt हो जाएगी, distance will increase, moment of inertia will increase, angular speed will decrease, time period will increase. So that's why. Is that fine? Third example है the speed of a tornado. नहीं आता था ना, फिर क्या हो गया, कौन बैठा, चलो अब खड़ा ना। दिस इज अ काइंड ऑफ टोर्नेडो। तो आपने कभी पिक्चर्स में देखा होगा टोर्नेडो, तो उसमें क्या होता है कि एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ हर चीज जा रही होती है। तो एंगुलर जो स्पीड है टोर्नेडो की, अलार्मिंगली हाई इन द सेंटर होती है, एंड्स पे कम होती, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन एक्सप्लेन। एक बार ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, कोई बात। तो इसमें क्या रीजन है कि नियर द सेंटर डिस्टेंस विल बी लेस, आर लेस हो गया सेंटर के बाद, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो लेस, ठीक है, आर लेस हो गया ना सेंटर के पास, डिस्टेंस कम है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सेंट्रल एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी। तो अगर आर कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, तो एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा होती, दिस इज द रीजन। सो स्पीड ऑफ अ टोर्नेडो इज अलार्मिंगली हाई इन द सेंटर, क्योंकि डिस्टेंस कम होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा है, दैट्स व्हाई। ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड। थ्री एग्जांपल्स आर क्लियर, लेट अस डू द फोर्थ वन, बैले डांसर। एक बैले डांसर की मोशन अगर हम ऑब्जर्व करें, तो व्हेन शी स्ट्रेचेस हर आर्म्स, ठीक है, तो एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड व्हेन शी स्टैंड्स ऑन डांसेस ऑन वन लेग एंड कर्ल्स हर हैंड्स, देन द स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस। ये आपने नोटिस किया होगा, बैले डांसर्स जब हैंड्स को स्ट्रेच करती हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, जब वो आर्म और लेग को स्ट्रेच करती हैं तो स्पीड कम हो जाती है, और जब वो हैंड को फोल्ड करके एक लेग पे डांस करती हैं तब स्पीड ऑफ रोटेशन काफी फास्ट होती है। तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इस केस में डिस्टेंस कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। तो व्हेन दे फोल्ड देयर हैंड्स देन द डिस्टेंस डिक्रीजेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, law of conservation of momentum. ठीक है, इसके बाद है fifth example, when a man sitting on a rotating turntable, when a man sitting on a rotating turntable stretches his hands, तो तब भी उसकी एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाएगी। When he folds his hand, तो rotation of speed, जो speed of rotation वो increase हो जाएगी।
ये आप ट्राई कर सकते हो घर पे बैठ के, अगर आपके पास रिवॉल्विंग चेयर है, ठीक है, अगर आप उस पर बैठ के हैंड्स को स्ट्रेच करो तो आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाएगी। अगर आप अपने हैंड्स को फोल्ड कर लेते हो तो स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल वही रीजनिंग है जो वैलिड आंसर वाले केस में। क्या यहाँ पे हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं? हम ये प्योरली इन दोनों फैक्टर्स का इफेक्ट देख रहे हैं। इसकी वजह से तो बहुत मेजर इफेक्ट होगा, एयर का रेजिस्टेंस तो बहुत कम रह जाएगा उसके बीच, ये मेजर फैक्टर होगा, ठीक है, डिस्टेंस का। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रॉ एग एंड अ हार्ड बॉइल्ड एग विदाउट बाय स्पिनिंग देम ईच ऑन अ टेबल टॉप। मतलब बिना ओपन किए आपको कैसे पता चलेगा कि ये एग अंदर से हार्ड बॉइल्ड है ये या रॉ एग है? जस्ट बाय स्पिनिंग देम ऑन अ टेबल टॉप, स्पिन करके ही आपको पता चल जाए। तो जो एग फास्टर रोटेट कर रहा है वो कौन सा है? वो रॉ एग, वो दूसरा है हार्ड बॉइल्ड एग। देखो कैसे, सपोज हम रॉ एग को रोटेट कर रहे हैं, जब रोटेट करेंगे इसके अंदर फ्लूइड है सारा, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो जाएगा, बाउंड्रीज पे स्टिक कर जाएगा, तो उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन कम। तो जो एग फास्ट रोटेट कर रहा है वो हार्ड बॉइल्ड है, जो एग स्लो रोटेट कर रहा होगा वो रॉ एग होगा। तो आपको बाहर से ही पता चल जाएगा कौन सा एग फास्ट है कौन सा स्लो। इज दैट क्लियर? इज दैट फाइन? चलो कोई नहीं, थर्ड पीरियड में पता चल ही गया आपको। क्लियर है ये ऑल द एग्जांपल? ऐसे और भी एग्जांपल मिलेंगे आपको, जैसे कि जो फ्लाई व्हील है, मोस्ट ऑफ द मास इज कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द रिम, जो फ्लाई व्हील है, ताकि वो स्टेबल रहे। अगर उसका मास रिम के सेंटर पे है, फ्लाई व्हील पता क्या है, सपोज कर ले एक व्हील ही है, बुल्लो कार्ट का व्हील ही है, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा रिक्शा वाले जो है उन्होंने जो रिम के सेंटर पे कुछ बांधा होता है, कुछ लगाया होता है उसको हैवी कर सकते, तो मोस्ट ऑफ द मास इज कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द रिम ऑफ द व्हील। उससे क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है, थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। हाउ? क्योंकि अब डिस्टेंस कम हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, ठीक है, एंगुलर स्पीड ऑफ रिम, रिम का मतलब आर ज्यादा हो जाएगा और एंगुलर स्पीड कम रहेगी, स्टेबल रहेगी उसकी नीचे। तो रिम पे होता है उसका मास कंसेंट्रेटेड, रिम का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस तरह से एंगुलर स्पीड कम रहेगी, उतना ही कंट्रोल में रहेगा, उतना ही स्टेबल रहेगा वो सिस्टम, ठीक है। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटेल में। अब नेक्स्ट आफ्टर दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उधर चलो अपनी सीट, आप इधर आ जाओ फर्स्ट बेंच, नहीं फर्स्ट बेंच पे आगे कर लो ना उसको। मतलब बैठना इजी है कि खड़े होना इजी है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। नहीं, एक मिनट, आप इधर आ जाओ, डोंट आर्ग्यू, इधर आ जाओ। इसके जो मेन टॉपिक्स थे ना आपके, जो डिफिकल्ट वाले, वो सब डिलीट हो गए। हमारी काफी बड़ी बड़ी डेरिवेशन थी इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की, वो सब डिलीट हो गया है। दो थ्योरम्स थी वो भी डिलीट हो गई, तो आपके लिए सारा फॉर्मूले रह गए हैं उसमें, वो बहुत ही इजी काम रह गया आपका, ठीक है।
तो ये यूनिट हमारा मोर देन हाफ हो चुका है। हाँ जी, उसका नाम ही नहीं लिखा हुआ थ्योरम्स का, उनके सिर्फ फॉर्मूले रह गए। लास्ट टाइम थ्योरम्स की उसमें लिखा हुआ था सिर्फ स्टेटमेंट, इस बार स्टेटमेंट भी नहीं लिखी, स्टेटमेंट भी नहीं, ठीक है। तो थ्योरम्स आर नॉट इन द सिलेबस दिस टाइम। सो नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय सिंबल आई। तो पहले हम एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास m था, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r। सपोज कर लो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है पहले आपके पास, उसका मास है, ये डिस्टेंस है। तो ये जब रोटेट करेगी इस एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी प्रोडक्ट ऑफ m एंड r स्क्वायर। तो यूनिट क्या है इसका, केजी मीटर स्क्वायर। यूनिट इज केजी मीटर स्क्वायर, मास का केजी, डिस्टेंस का मीटर, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो, ठीक है। बट इफ वी हैव अ रिजिड बॉडी, अब हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसमें बहुत सारे मास है, अब इसकी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करें। सो लेट अस से m1 पार्टिकल का मास डिस्टेंस है r1, m2 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r2, ये हमें गिवन है, सो ऑन अप टू mn, इसका डिस्टेंस है rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो व्हेन वी आर हैविंग अ रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट पार्टिकल, वही बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड पार्टिकल, सो ऑन अप टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ nth पार्टिकल, so on up to moment of inertia of nth particle, ठीक है। अब इसको एक तो आप ऐसे लिख सकते हो summation form में, I varying from 1 to n, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो जिसमें आप 1, 2, 3 put करके देखो आपकी यही term expand हो जाएगी। अगर आप 1 put करते हो m1 r1 square आ जाएगा, 2 put करते हो m2 r2 square आ जाएगा, 3 put करते हो तो so on up to सारी terms आते जाएंगे। When you put n, then you get m n r n square like this। तो rigid body के लिए ये याद रखिए, हम summation form में लिखते हैं moment of inertia, ठीक है। Further ये तो आपकी एक result हो गई, अब इसी पे आते हैं। Let masses of all the particles are same। सपोज कर लो कि सबके मास सेम है, तो आप क्या लिखोगे, m को कॉमन ले लो, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर सो ऑन अप टू rn स्क्वायर, m कॉमन ले लिया अगर मास सेम है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सपोज देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो तो हमने वही लिए, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स n। mn क्या है, मास ऑफ द होल बॉडी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल, तो nm को हम पुट करेंगे m, और ये जो टर्म इन ब्रैकेट है इसको हम पुट करेंगे k स्क्वायर, वेयर k इज, k हमने किसको लिया है, रेडियस ऑफ गायरेशन है ये के, मतलब के इज दिस अंडर रूट ऑफ दिस, तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन भी हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ये भी डिस्टेंस ही है तो इसका यूनिट मीटर ही होगा। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है, के क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब के जो है जो सेंटर ऑफ मास होगा ना उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन इसका नाम, गायरोस्कोप सुना है ना हमने, ये उसी से रिलेटेड है ये टर्म।
आपने वो देखे होंगे बच्चों के, किड्स के साइकिल्स आते हैं आजकल, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बेस्ड होते हैं, वो गायरोस्कोपिक है। हाँ तो वही है, उसी टर्म से, रोटेशन की टर्म से ही गायरेशन टर्म होगी। ठीक है, तो के क्या है ये नोट कर लीजिए, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम सपोज कर ले कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे सी एम, तो ये जो इसका डिस्टेंस है वो है के, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। देखो हमने डिस्टेंसेस के स्क्वायर का मीन लिया, उनको ऐड करके एन से डिवाइड किया, रूट ले लिया, तो इसको आरएमएस डिस्टेंस भी कहते हैं। के इज आल्सो कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज आरएमएस डिस्टेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। के इज आरएमएस डिस्टेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, जो आपके सामने है, रूट भी है उसका, मीन भी लिया हुआ है, स्क्वायर भी है। ठीक है, तो हर बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आप के की टर्म्स में लिख सकते हो, आगे हम लिखेंगे। यहां तक देख लीजिए, अगर डाउट है अगर। बिल्कुल वैसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी निकाल सकते हैं हम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, सो ऑन अप टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। इसको भी आप समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सपोज कर लो कि एक स्फीयर है, वो रोल भी कर रहा है, आगे आगे भी जा रहा है, तो उसके पास दोनों तरह की काइनेटिक एनर्जी होंगी, उसमें लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, यहां वी आएगा ना, V आएगा, V1 V2 स्क्वायर, ये देखो। अब इसको हम फर्दर क्या पुट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, पुट V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये आ जाएगा आपका एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये देख लो ना, इतना क्या था, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर क्या था, आई था ना, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी ट्रीटमेंट है इनको यूज करके। एक चीज और नोट करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया मतलब देखो, मास जो है वो मेजर ऑफ इनर्शिया होता था, कि तब तक बॉडी रोटेट नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल इनर्शिया, की बॉडी तब तक रोटेट नहीं करेगी जब तक इस पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आता। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, जस्ट रोटेटरी मोशन है वहां पे लीनियर मोशन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो टेल्स अस द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू यू कैन से अपोज द चेंज इन रोटेशनल स्टेट। अगर कोई उसकी स्टेट को मतलब चेंज करके रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, कोई फोर्स कोई टॉर्क, तो ये उसको अपोज करेगी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, अब सपोज कर लो हमने प्रूव करना है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। एल का फॉर्मूला क्या था, आरपी साइन फाइव, यही था ना फॉर्मूला, आरपी साइन फाइव।
अब मैक्सिमम लेने के लिए फाइव को 90 डिग्री ले लो, पी क्या होता है एम वी, तो ये फॉर्मूला आप सबको पता है एम वी आर, वो यहीं से आया है, पी को मोमेंटम को पुट करो एम वी, तो ये आ गया एम वी आर एंगुलर मोमेंटम। अब इसको फर्दर आप वी को आर ओमेगा पुट करो, एम आर स्क्वायर ओमेगा, व्हाट इज एम आर स्क्वायर आई, तो सिंपल ट्रीटमेंट से भी आपका फॉर्मूला आ जाता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, सिंपल ट्रीटमेंट से ये फॉर्मूला आ जाता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, इज दैट क्लियर। आपका होमवर्क है आज का, आपने टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा ऐसे यूज ऐसे ही प्रूव करके लाना, सिंपल ट्रीटमेंट से टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा प्रूव करके, कल मैंने कॉपीज में देखना आपने किया हुआ है कि नहीं। बच्चे हु इज